जिंदाबाद 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 मंत्री जी, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस का मोदी जी करने वाले थे, आपने पहले ही शुरू कर दिया, क्या संदेश? देखिए, वो लोग तो काम पर काम पर उद्घाटन कर रहे हैं। सपा के सरकार में ही बना था, स्वीकृत हुआ था, टेंडर भी हो गया, किसानों का जो मुआवजा था पूरा मुआवजा भी माननीय अखिलेश यादव ने दे दिया अपने शासनकाल में, और टेंडर हो गया था, कंपनी को ठीका भी मिल गया, और टोटल पैसा ठीका उनको कंपनी को चला गया था बनवाने के लिए। अब इसमें ये है कि ये तो जो सड़क बनाए हैं, इनकी जो पुल हो गया तो इनको बनाना ही मजबूरी थी। तो इसमें ये है कि ये उद्घाटन कर रहे हैं, काम हमारा है, उद्घाटन नहीं कर रहे हैं तो इन लोगों को तो शर्म आती है। ये अपना करें, हमने जो उद्घाटन कर दिया क्योंकि हमारी सरकार ने इसको स्वीकृत किया था, टेंडर हुआ था, शिलान्यास हुआ था, तो इन्होंने उद्घाटन किया, तो हमारे समाजवादियों ने जाकर के शिक्षा पर उद्घाटन किया। सड़कें भी कुछ खराब हैं क्या? गुणवत्ता में अंतर है। अगर कोई गया हो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है उसको देख ले, आप पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है, समाजवादी नाम निकाल दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कर दिया इन्होंने, तो ये हम कहते हैं कि वो सड़क से एक गुणवत्ता की बहुत अंतर, गुणवत्ता ठीक नहीं है, ऊंचाई कम हो गई, डिवाइडर कम हो गया, और सड़क का जो मटेरियल लगना चाहिए था वो मटेरियल भी पूरा उस तरह का नहीं, तो गुणवत्ता में भी कमी है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री 1 बजे उद्घाटन करने वाले थे, आपने पार्टी पहले ही कर दिया, क्या संदेश? हम लोग तो करेंगे जब हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, अब पैसा भी टेंडर होके दे दिया तो किए, जैसे मेट्रो आपका है, मेट्रो का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव ने किया, और फिर बाद में आकर के योगी जी किए, ये कौन सा मतलब है भाई? अच्छा, लखनऊ का मेट्रो आज तक जितना बना था सपा की सरकार में उतना ही है, उसे 1 भी इंच बढ़ा नहीं, ये कौन से काम कर दिए? आजमगढ़ की सड़कें बेहाल पड़ी हैं, एक पैसा का काम उन्होंने दिया। आजमगढ़ में चाहे आपके चीनी मिल हो, चाहे पीजाई अस्पताल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे विश्वविद्यालय जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या नसीहत देंगे सरकार को? सरकार की नसीहत जनता देगी, जनता त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।